बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों की जान माल इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमाए, आपके रिजल्ट में बरकत अता फरमाए। आज हम चिकन पॉपकॉर्न बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमने 250 ग्राम चिकन ले लिया है। इसमें जा रहा है चिली पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट जा रहा है टू टेस्ट, मैंने 1/2 टीस्पून लिया है। और इसमें जाएगा लहसुन का पाउडर, गार्लिक पाउडर जा रहा है इसमें 1 टीस्पून। के अलावा इसमें कुछ सॉसेस जाएंगे, जैसे कि चिली सॉस है 2 टीस्पून, सिरका डालेंगे 1 टीस्पून और 1 टेबलस्पून डालेंगे सोया सॉस। के अलावा इसमें 1/4 कप डालेंगे दूध। सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने अच्छे से मिक्स करके इसको कम से कम जो है ना 4 से 5 घंटे के लिए, नहीं तो ओवरनाइट भी आप रख सकते हैं इसको रख देना है। 4 से 5 घंटे गुजर जाने के बाद हम इसको निकाल लेते हैं। इसमें डालेंगे 1 एग। बस अंडा डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, अब हम एक बाउल में ले लेते हैं मैदा 1 कप, कॉर्नफ्लोर जाएगा 1/2 कप। के अलावा ये जो कोटिंग बना रहे हैं इसमें भी टेस्ट के लिए हम डालेंगे चिली पाउडर, 1 टीस्पून चिली पाउडर या पेपरिका पाउडर, जो आप डालना चाहें डाल सकते हैं। नमक यहाँ पे भी आप 2 टेस्ट डालें। और इसमें जाएगा लहसुन का पाउडर 1 टीस्पून। बस अब इन सभी चीज़ों को हम डाल के और अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। अच्छा, एक पैन में हम ऑयल ले लेंगे फ्राई करने के लिए। ज़रा ऑयल हम ज़्यादा ही लेंगे क्योंकि डीप फ्राई करना है। यहाँ पे हमने दोनों मिक्सर ले लिए मैदे का भी, और इसके अलावा हम लेंगे ठंडा पानी, चिल्ड वाटर लेंगे। अब हम इन सभी मैरिनेटेड चिकन को इस फ्राई वाले मिक्सचर में डालते जाएंगे, अच्छे से इसके ऊपर कोट कर लेंगे। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह मैंने चिकन ब्रोस्ट की आपको रेसिपी शेयर की हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। अच्छा, आप दोबारा से इसे ठंडे पानी में डालने के बाद हम दोबारा से इसको ड्राई वाले मिक्सचर में डालेंगे और इसको ऊपर अच्छी सी कोटिंग कर लेंगे। ज़रा रब कर करके हम इसको अच्छा सा कोट कर लेंगे। इसी तरीके से सारे के सारे रेडी कर लेंगे। चलिए, ये सभी हमने रेडी कर लिए हैं। अच्छा, इसको आप चाहें तो इस स्टेज पे आके फ्रीज कर सकते हैं और बच्चों को लंच बॉक्स में या स्नैक टाइप में जब आप देना चाहें दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं भी कुछ फ्रीज कर लूँगी और बाकी के मैं आपको फ्राई करके इसकी फाइनल लुक दिखा देती हूँ। यहाँ ऑयल हमने, ये देखिए मैं दिखा दूँ आपको, यहाँ ऑयल हमने गर्म होने रख दिया था। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। बस 3 से 4 मिनट लगेंगे और ये खुद ही रेडी हो जाएगा। बस थोड़ा सा हिलाते रहें। देखिए, ज़बरदस्त किस्म के रेडी हो गए हैं। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत सॉफ्ट चिकन होता है इसका। मैं आपको दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट, कितना जूसी चिकन इसका होता है अंदर से। देखिए, ज़बरदस्त सा और ऊपर से क्रिस्पी। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।